हम लोग जो भी खाना खाते हैं या खाना बनाने की कोशिश करते हैं उसके साथ में कोई भी या लंच हो डिनर हो उसमें चटनी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। तो मैं आज जो रेसिपी लेकर के आई हूँ मैं शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ, बने रहिए आप लोग मेरे साथ। ये 1.5 kg टमाटर है, छोटा बड़ा सब है, मीडियम साइज है। तो खाने में चटनी का बहुत ही बड़ा अहमियत होता है और उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो इसका मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर और देखिए इसका मैं क्या करती हूँ। पहले तो इसको डंठल तोड़ करके हटाऊंगी और फिर कट भी करूंगी। पहले ही इसे मैं वॉश कर लेती हूँ, मैं फिर कट करके दिखाती हूँ ये कैसे कट करके अभी मैं चटनी बनाने वाली हूँ इसका। इसको साइड से पहले ऐसे कट कर देंगे, जो कि ये दाग भी लगा हुआ रहता है या ऊपर का होता है इसको भी कट करके हटा दूंगी सबको। फिर इसको दो भाग में काटूंगी। और जल्दी बनाना होता है इसके लिए हम छोटा छोटा पीस करते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे बड़ा पीस भी कर सकते हैं, जैसे मैं छोटा छोटा कट कर ली हूँ ना, तो इस तरीके से आप छोटा भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता दे रही हूँ बड़ा, कितना बड़ा, इतना बड़ा भी चलेगा और चाहे तो इसे चार भागों में भी काट करके इतना बड़ा भी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं ऐसे बारीक काट रही हूँ ताकि जल्दी बन जाए। इस तरीके से सभी को काट लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में और ये काफ़ी टेस्टी होता है। खाना बनाइए और चटनी ना हो तो फिर बात क्या। तो ये मैं कट कर ली हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ सभी को। तो तरह मैं कट कर ली हूँ, बताइए मैं 1.5 kg है, 1.5 kg। तो इसका मैं चलती हूँ अब चटनी बनाने। लेकिन इसमें और सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जो मैं बताती जाऊँगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। पहले तो इसको कट कर ली हूँ और फिर उसके बाद में मैं प्याज को कट करूँगी। ढेर सारा प्याज भी लगेगा, लगभग इसमें 1 kg के आसपास में तो प्याज लगेगा। जितना ही आप प्याज डालेंगे उतना ही ये टेस्टी होगा। तो मैं पहले प्याज को भी कट करके दिखाती हूँ। तो ये मैं प्याज छील करके, छिलका निकाल करके और दो भागों में कट करके रख लूँगी। तो आप लोग चाहें तो इसे चाकू की मदद से इस तरीके से छोटा छोटा स्लाइस करके इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे जल्दी करना है। मैं पहले भी बताई थी कि मुझे बहुत जल्दी इसको तैयार करना है। तो एक तो बिल्कुल मैं एक कट करके दिखा रही हूँ और आगे मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे स्लाइस और कितनी जल्दी से हो जाता है। तो इसमें तो छोटा बड़ा हो सकता है, पतला भी और मोटा भी, लेकिन ये रहा कद्दूकस। तो इस कद्दूकस की मदद से मैं जल्दी और एक साइज में इसकी स्लाइस हो सकती है। तो ये दो भाग है, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये डंठल वाला नीचे पोर्शन करेंगे और ये कट वाला ऊपर करेंगे और फिर इसको इस तरीके से। तो ये बहुत जल्दी स्लाइस हो जाता है और एक साइज में होता है और बहुत ही जल्दी गल भी जाता है, पकने में कोई झंझट नहीं होता, टाइम नहीं लेता है। तो इस तरीके से मैं सबको स्लाइस करके फिर मैं आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ऐसा स्लाइस मैं कट करके तैयार कर ली हूँ, ये सभी को एकदम बिल्कुल एक साइज में है, ना पतला ना मोटा, और ये जल्दी गल जाएगा। फिर मैं अब आगे के प्रोसेस में चलती हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अब कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। तो जितना मटेरियल है उस हिसाब से इसमें तेल डालेंगे, तेल में सरसों का इस्तेमाल करेंगे। अभी तेल गरम हो रहा है, तेल गरम होने के बाद में इसमें तड़का मारूंगी मैं। तेल गरम हो चुका है तो इसमें डाल देते हैं पहले लाल मिर्च और तेज पत्ता। और ये जब पक जाएगा
अब इसमें जाएगा ये रहा पांच फोरन, तो पांच फोरन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मुझे बनाना है मीठा चटनी, तो मीठे में ये पांच फोरन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ये चटक गया, अब इसमें जाएगा ढेर सारा लहसुन पेस्ट। मैं कद्दूकस करके नहीं रखी हूँ, मैं पेस्ट बनाई हुई हूँ। आप चाहें तो इसे चॉप करके रख सकते हैं। चॉप किया हुआ भी बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। और लहसुन जब पक जाए तो इसमें जाएगा वही प्याज काटा हुआ ढेर सारा, और फिर इसको पका लेंगे। इसी जगह पर हम नमक का भी इस्तेमाल करेंगे, अच्छे से मिलाते हुए नमक डाल देंगे। तो ये नमक जाएगा टेस्ट टू अकॉर्डिंग नमक, और 1.5 kg है तो मैं इसमें 4 चम्मच डाल दी। फिर इसी जगह पर हल्दी भी डाल देंगे और इसको, और फिर इसको मिला देंगे अच्छे से। और इस प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, केवल सॉफ्ट हो जाए तो इसमें डाल देंगे टमाटर जो कट करके रखी हुई हूँ पीछे, तो उसको डाल दूंगी। लेकिन थोड़ा सा हल्दी को भून देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाएगा तो कच्चापन दूर हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो पहले इसको पकाना बहुत ज़रूरी है और पानी रिलीज करेगा, इसके साथ साथ ये भूनते हुए भी पकेगा। तो ये अब बिल्कुल भून चुका है और इसमें डाल देती हूँ ये कटा हुआ टमाटर और इसको करूँगी मिक्स। तो इस तरीके से आप लोग अपने घर पर बना सकते हैं, और मुझे लगता है सभी लोग बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रूर बनाइए आप लोग। बच्चे इसको काफ़ी पसंद करते हैं, मीठी चटनी और पराठे के साथ, रोटी के साथ काफ़ी लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये सभी मिल चुका है, तो अब इसको ढक देती हूँ ताकि, और ये पकेगा काफ़ी, तो ये अच्छे तरीके से पक जाएगा। फिर इसको मैं कम से कम 5 से 7 मिनट के बाद खोल करके और फिर इसको देखूंगी कितना पका है। अगर नहीं पका रहेगा तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और मिला करके तब इसको और पकाऊंगी। जब तक कि पकेगा नहीं तब तक इसको नहीं छोड़ूंगी। अब इसको मैं खोल करके देख रही हूँ, तो ये पका कि नहीं, पानी तो काफ़ी रिलीज किया है। पहले मैं इसे चेक करती हूँ, अच्छे तरीके से पक गया होगा तो फिर मैं इसमें मीठा चटनी बनाने का, जो गुड़ का इस्तेमाल करूंगी या चीनी का, जो भी करें आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो अभी यहाँ पर फिलहाल चीनी डालूंगी, पहले चेक करके बताती हूँ। तो ये गल चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। तो इसी जगह पर मैं चीनी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं है गुड़, और गुड़ से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आप लोग गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये 250 से 300 ग्राम, इसी के बीच में ये चीनी है और इसको करूंगी मिक्स और थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका ग्रेवी जो है वो थिक हो जाए। और चाहे तो इससे भी ऐसे इसको दबा दबा करके बारीक कर सकते हैं, नहीं तो ये दाल घोटने वाला जो होता है इससे भी आप ऐसे पुश करके दबा करके इसको बारीक कर सकते हैं, ताकि चटनी का जो ग्रेवी हो उसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाती है इस तरीके से दबा दबा करके। और चीनी डालने के बाद में थोड़ा सा पानी रिलीज करता है और उसका जो ग्रेवी होता है वो पतला हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा पका करके ग्रेवी को थिक किया जाता है। तो आप लोग भी इस पर ध्यान देंगे।
ऐसे मैं दबा दबा करके इसको पका रही हूँ। ये काफी टेस्टी होता है और किसी भी खाने के साथ में अगर चटनी ना हो तो कोई बात ही नहीं बनती। तो थोड़ा सा चटनी बनाना जरूरी होता है किसी भी चीज का हो। अभी तो फिलहाल मैं ये टमाटर की चटनी मीठी वाली बना रही हूँ। इसका आप हरे वाले टमाटर जो होते हैं, हरा टमाटर, उसका भी बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है उसका। तो उसको आपको पका करके और मिक्सी के जार में पीसना होता है। उसका भी मैं किसी दिन रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों से। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे देंगे। तो रेडी होने के बाद में मैं फिर आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से ये खोल रहा है क्योंकि ये है भट्टी। मैं भट्टी को दिखाती हूँ, ये है भट्टी। तो भट्टी का फ्लेम आप जितना हाई कीजिएगा, लो कीजिएगा, वो हो जाएगा। अभी मैं लो कर दी तो ये बिल्कुल हल्का हो गया और ये साउंड बहुत देता है। अगर आप हाई करेंगे तो काफ़ी साउंड होगा। तो अच्छे तरीके से पकाने के लिए हाई करना पड़ता है ताकि जल्दी हो जाए। तो रेडी पोजीशन में है ये, मैं आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। और इसकी थिकनेस कितनी है आप लोग खुद समझ जाएंगे। और टेस्टी तो काफ़ी है, लेकिन ये तो मैं जानती हूँ क्योंकि इसको तो चखूँगी मैं। आप लोग जब तक मना करके नहीं चखेंगे तब तक आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि ये टेस्टी है। इस प्रोसेस के साथ आप लोग बनाइए और खाइए, इंजॉय कीजिए। ये रेडी हो गया है, गैस को करती हूँ मैं बंद। तो इसकी थिकनेस ऐसी है और ये मैं प्लेट में रख करके दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग देखिए। तो है ना ये अच्छी रेसिपी, आप लोग भी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।